अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? मैं हूँ आपका दोस्त मुकीस। अच्छा, तो ये वीडियो जो है रैबिट्स रिलेटेड है, और आज जो है मैं इधर आया हूँ रैबिट के इधर। तो ये रैबिट को मैंने अभी रूटीन बनाई हुई है कि जो है यहाँ अंदर बंद करूँ ताकि जो है उन्हें मोबाइल वाला सिस्टम भूल जाए और वो अंदर जो है ब्रीड करना स्टार्ट करें जैसे कि पहले करते थे। तो अब जो है इनको मैं दिन को भी बंद करता हूँ, एंड देन कुछ टाइम के लिए मैं खोलता हूँ इनको अपने सामने और फिर दोबारा जो है यहाँ पे आके बंद कर देता हूँ रात को भी, क्योंकि जो है एक फीमेल का जो बच्चा मैंने पकड़ा था और यहाँ पे छोड़ा था तो वो बच्चा भी अभी थोड़ी देर में इधर बाहर निकलेगा, तो मैं फिर आपको दिखाता हूँ। नहीं निकला तो फिर लास्ट पे दिखा दूँगा। तो वो बच्चा जो है यहाँ पे छोड़ा हुआ, तो उस फीमेल को भी यहाँ पे मुझे सुबह शाम जो है मतलब छोड़ना होता है, यहाँ पे ही जो है वो करना होता ताकि जो है बच्चे को दूध पिला सके। तो वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है जो एक बच्चा हमने उधर बिल से निकाल के यहाँ पे शिफ्ट किया था। तो ये चीज़ अच्छा, मेन बात पे आते हैं। मेन टॉपिक जो है इस वीडियो का ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे सामने हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो चीज़ें शेयर करूँगा। एंड देन जो है उसके बाद एक और जो है मैं इंट्री हुई है रैबिट में, मैं लेकर आया हूँ, तो वो जो है मैंने आपको दिखाना है। तो असल में एक न्यू रैबिट लेकर आया हूँ, मेल रैबिट लेकर आया हूँ, और वो क्यों लेकर आया हूँ वो चीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो रहा वो मेल रैबिट, आप देख रहे होंगे ये वाला, ठीक हो गया। तो ये मेल रैबिट जो है न्यू आया था अभी, ये जो है यहाँ से ये देखें बाकी यहाँ पे खाने में लगे हुए हैं और वो जो है वहाँ पे दूर बैठा हुआ है, तो वही वहीं पे जो है लेट गया। तो अच्छा, मैं पहले ये बात कर लेते, तो मेल रैबिट मैं न्यू लेकर आया हूँ। मेल रैबिट नया क्यों लेकर आया हूँ, किस लिए? तो वो इसलिए कि मेरे पास जितने भी रैबिट थे अभी जो मतलब मेल रैबिट है मेरे पास, तो वो सारे ही घर की ब्लड लाइन है, मतलब घर के ही बच्चे निकले हुए हैं। तो इस दफ़ा मैं ये नोट कर रहा हूँ, ये चीज़ कर रहा हूँ कि पहले जब मैं एक मेल रैबिट पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी, जो पिछले सीज़न में मैं एक मेल रैबिट लेकर आया था, वो जो है अलग ब्लड लाइन का था। वो जब लाया था तो फीमेल ने बहुत बच्चे दिए थे और मतलब उस सीज़न में ना बहुत ज़्यादा ब्रीड की थी वो, तो फिर बाद में जो है बिल्लियों ने पकड़ लिए बच्चे और उस तरह का सीन हुआ, तो फिर मतलब बच नहीं पाए, वो चीज़ हो गई। लेकिन जो है उस मतलब उसमें वो अलग ब्लड लाइन थी, मेरे पास जो फीमेल थी वो अलग ब्लड लाइन की थी और बहुत ब्रीड हुई। लेकिन अब जो घर में मेल रैबिट हैं, तीन मेल हैं, तो वो जो है घर के बच्चे निकले हुए हैं। तो वो इस दफ़ा जो है एक फीमेल ने बच्चे दिए, तो वो भी उसने दो बच्चे दिए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी एक फीमेल ने बच्चे दिए, उसने छह बच्चे दिए, लेकिन जो है वो इतने मतलब कमज़ोर थे क्या सीन था, तो वो जो है वो बच्चे भी नहीं बच सके और मर गए। फिर उसके बाद जो है एक और फीमेल जो है पिस्ती वाली, वो जिसको पिस्ती मैं कहता हूँ, वो उसने बच्चे दिए, तो वो जो है हमेशा पांच पांच बच्चे वो लाजमी देती है हर बार, लेकिन इस दफ़ा उसने बच्चे दिए हैं, तो उसने भी जो है दो बच्चे दिए, एक जो है उस दिन बिल्ली ने पकड़ लिया और एक जो है फिर मैं पकड़ के यहाँ पे अंदर छोड़ा था। क्योंकि हर बार वो हालांकि फीड अच्छी करवाती है और सही केयर करती है बच्चों की और वो चीज़ करती है, लेकिन फिर भी उसके बच्चे जो है नहीं बच पाए और मर गए। तो क्या बोलते हैं कि सॉरी, अच्छा वो जो है बात कर रहा था कि उसके बच्चे जो है पता नहीं क्या हो पाया, तो वो जो है उसके बच्चे भी मर गया और जो है दो बच्चे ही थे सिर्फ आए हैं। एक फीमेल के जो है वो बच्चे नहीं बच पाए, मर गए। दूसरी फीमेल जो थी उसके बच्चे जो है वो दो बच्चे ही हुए हैं, क्योंकि बिल में थे, मुझे नहीं पता आप क्या हुए, लेकिन वो फीड अच्छी कराती है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बच्चे जो है मरे हों या कुछ हुआ हो। तो अभी जो है ये देखें, अभी इनका पेट भर गया, तो कुछ जो है साइड पे हो गए, तो ये इतना ज़्यादा नहीं खाते, बस खाते हैं फिर जाके लेट जाते हैं, बस रेस्ट करते हैं, वो चीज़ करते हैं। अच्छा, तो अब जो मेल रैबिट लेकर आया हूँ मैं, वो मैंने एक्सचेंज किया है अपने पास से, एक मेल रैबिट जो है एक दोस्त को दिया है और उससे जो है दूसरा वाइट वाला वो जो बैठा हुआ है वो ले लिया है। तो ये चीज़ है, तो अब जो है ब्लड लाइन चेंज हो जाएगी, अब जो फीमेल इससे क्रॉस होंगी या कुछ सीन होगा, तो वो जो है उनमें से जो बच्चे निकलेंगे, एक तो बच्चों की तादाद अच्छी होती है, मतलब ज़्यादा बच्चे देती हैं फीमेल्स, और दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होता है कि बच्चे सेहतमंद होते हैं। पहले मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, पिछले सीजन में मैंने जो आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें जो है फीमेल्स ने एक ही जगह पे इसी खुड्डे में जो है तीन फीमेल ने ब्रीड कर दी थी,
तो वो जो है 15 बच्चे थे, तो वो बच्चे जो है सेहतमंद थे और मोटे मोटे और इस तरह के थे। लेकिन जो है अब उसके बाद जो है जितने बच्चे इस दफ़ा मैंने देखे हैं उनकी तादाद भी कम और वो कमज़ोर हैं, तो उस तरह नहीं है। तो ये एक चीज़ होती है, आपने इस चीज़ पर को नोट करना है कि ब्लड लाइन बीच में बार बार मिक्स नहीं करते रहना। हालांकि कुछ टाइम गुजरे तो आपने कुछ फीमेल्स या इस तरह मेल जो है बाहर से ख़रीद के मतलब न्यू ब्लड लाइन बीच में शामिल कर लिए हैं, तो मेल अगर आप जो है चेंज कर लिया करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो तो चलें वो अच्छी ब्रीड कर रही हैं, एडजस्ट हुई 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 हैं, लेकिन मेल जो है आप नया ले आए तो वो ब्लड लाइन चेंज हो जाती है और नई ब्लड लाइन बच जाती है, तो वो जो है अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये एक चीज़ मैं ज़्यादा देख रहा था कि ऐसे जो है ख़राब हुई। हालांकि पहले जितने भी मेल थे मेरे पास वो अलग ब्लड लाइन के थे, अलग अलग जगहों से आए हुए थे, तो ब्रीड अच्छी आती रही, लेकिन इस दफ़ा जो है इस तरह का नहीं हुआ। इस दफ़ा जो है इस तरह हो रहा है कि बच्चे कम हो रहे हैं और जो पैदा भी हो रहे हैं तो खुद ब खुद मरे ऐसे कि हालांकि फीमेल फीड करवा रही हैं, लेकिन जो है वो हैं इतने कमज़ोर के जो है मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, मर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप जो है जो भी मतलब वो करें तो ब्लड लाइन जो है ऐसा ऐसा मतलब जो है चेंज करते रहा करें, ताकि जो है बच्चे सेहतमंद पैदा हों और कमज़ोर ना हों। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद जो है दूसरी एक और चीज़ कि एक भाई जो है मुझे कह रहे थे कि मैं अपने रैबिट्स को जो है गोभी के पत्ते डालता हूँ तो वो खाते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें जो है उससे कुछ नहीं होता। वो भाई एक भाई कह रहे थे कि गोभी के पत्ते जो है हफ्ते में सिर्फ 2 बार देने चाहिए, नहीं तो जो है इनको नुकसान होता है और ये मतलब पेट के मसले बनते हैं, ये इस तरह की चीज़ होती है। तो असल में ये चीज़ होती है इसमें कि जब आप अपने रैबिट को एक चीज़ पे आदी करते हो तो फिर जो है उसको जितनी भी बार वो देते रहो तो उसका इतना नुकसान नहीं होता, एक तो ये चीज़। और आपने इस तरह नहीं कि आपका रैबिट उस चीज़ पे आदी नहीं है, जैसे कि मैं गोभी के पत्ते डालता हूँ कि अगर किसी बंदे कोई बंदा ऐसा है जिसके पास जो है वो गोभी के पत्तों पर खरगोश आदी ही नहीं है, तो वो अगर जो है उनको ला के इकट्ठे इस तरह डाल देंगे तो लाजमी बात है कि उनके रैबिट्स ने बीमार होना है और जो है उनकी सेहत ख़राब हो जानी है, उनको मोशन लग जाने, कुछ ऐसे जो है हो जाना है। लेकिन जो है अगर इस तरह करें कि पहले थोड़ी मिकदार में दें, आप कर खरगोश खाए शौक से खाए, फिर ऐसा ऐसा जो है मिकदार को बढ़ाते जाएं, तो तब फिर आपके खरगोशों को नुकसान नहीं होता, वो जो है उस चीज़ पे एडजस्ट हो जाते हैं और उनका जो है अच्छा मतलब वो बीमार नहीं होते उस चीज़ से। तो एकदम से एक चीज़ नहीं ठोंस देनी, ऐसा ऐसा करके जो है आपने आदत डालनी है अपने जानवरों को, ताकि जो है वो उस पर एडजस्ट हो जाएं और कोई नुकसान ना हो। एक तो ये चीज़ करता हूँ और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊँ वो मैं ये करता हूँ कि गोभी के पत्ते क्योंकि सर्दियों में फ्री मिल जाते हैं तो मैं तो सर्दियों में ही वो ही रूटीन रखता हूँ, साथ में बीच में और घास लाता रहता हूँ, लेकिन जो है गोभी के पत्ते जो है वो रहते ही रहते हैं, तो वो डेली बेसिस पर ही होते हैं, सुबह शाम ही होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक टाइम है एक टाइम नहीं है उस तरह। हाँ ये होता है कि रात के टाइम में चोकर डालता हूँ तो रात को वो नहीं देता, सुबह के टाइम या दिन के टाइम जो पूरी रूटीन चलती है वो जो है गोभी के पत्ते ही सर्दियों में चल रहे होते हैं, तो वो बादी होते हैं, उनसे पेट में गैस इस तरह की मतलब प्रॉब्लम जो है पेट के मसले जो है रैबिट्स में बन सकते हैं, तो उसके लिए जो है मैं जो ये एक रूटीन रखी हुई है मैंने कि वो तो देता हूँ लेकिन साथ में जो है मैं ये काल्को फाइव एक सीरप है, मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ और मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था, एक दो वीडियो में, और जो भी मुझसे पूछता है तो उससे मैं यही कहता हूँ कि आप जो है ये काल्को फाइव जो है मंगवा लें और ये जो है अपने रैबिट को यूज़ करवाएँ, तो इससे जो है रैबिट्स को अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और मतलब ये जो जानवरों के पेट के मसले बनते हैं या खरगोशों के या गैस हो जाना या कुछ इस तरह का, तो वो चीज़ें नहीं होंगी, उससे जो है खरगोश ठीक रहेंगे। तो ये इतना महंगा नहीं, तकरीबन 320 रुपये का मिल जाता है और ये बोतल जो है मैं आपको दिखाता हूँ ये काफ़ी टाइम जो है चल जाती है, तो काफ़ी टाइम चल जाती है। और डालना कितना होता है 1 लीटर पानी में, या जैसे कि आप ये देखें रैबिट का बच्चा यहाँ पे पानी पी रहा है, तो ये मैंने बर्तन रखा हुआ है तो ये देखें ये पानी पी रहा है यहाँ पे, तो ये इतने पानी में जो है आपने 1 या 2 ढक्कन जो है डाल के देने हैं इसको, 1 या 2 ढक्कन, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, सफ़र मैं उस बच्चे को दिखा दूँ पहले, ये वो बच्चा है जो मैंने बाहर से पकड़ के यहाँ पे जो है छोड़ा था। अच्छा तो ये जो है देखें ये इस तरह का ये ग्रीन कलर का सिरप होता है,
तो ये जो है इस बोतल का ये ढक्कन जो है, एक या दो ढक्कन आपने जो है, जिस मेरे पास ये बर्तन बड़ा है इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पानी आता है, तकरीबन इसमें 1.5 लीटर पानी आने, तो आपने 1 लीटर पानी में एक ढक्कन के हिसाब से मिला कर देना है इनको। तो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है जो है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो ये एक चीज़ करें, तो जो है मैं ये यूज़ करवाता रहता हूँ इनको। और ये यूज़ किस तरह करवाना है कि मतलब इस तरह 1 लीटर पानी में एक ढक्कन डाल के देना है। और दूसरी ये चीज़ करनी है कि जैसे ही जो है क्या बोलते हैं इसको यूज़ करवाना है ये, और साथ में जो है वीक में जो है आपने एक दिन देना है, और फिर 2 दिन का गैप करना है, फिर एक दिन देना है, फिर 2 दिन का गैप करना है। तो इस तरह ये रूटीन बनाई हुई है, तो ये हफ्ते में जो है मेरे पास इस तरह चलता रहता है। और वो मैं उनको पत्ते भी डालता रहता हूँ, वो जो है कई लोग कहते हैं कि जो है शहतूत के पत्ते भी नहीं देने चाहिए, और जो है मूली के पत्ते भी नहीं देने चाहिए, और ये चीज़ करनी। तो मेरे पास माशाल्लाह जो है रैबिट आपने देखे हुए हैं कि सारे सेहतमंद हैं, कोई भी ऐसा कमज़ोर या उस टाइप का नहीं है। तो जो पहले भी कई वीडियो में लोग देख चुके हैं, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप क्या डाइट देते हो कि आपके रैबिट जो है इतने सेहतमंद है माशाल्लाह। तो ये चीज़ जो है ये नॉर्मल जो भी पत्ते या घास कुछ होता है तो वही मैं डालता हूँ। जैसे कि हमारा ये गांव है, तो यहाँ से बाहर और हर तरह के किस्म के घास मिल जाते हैं, वो ला के डालता रहता हूँ। तो इतना वो नहीं वो चीज़ होती कि जो है आपने कोई फिक्स चीज़ देनी है या सुखा कर देनी है या उस तरह करना है। मैं तो ला के गीला भी डाल देता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं बनता। लेकिन जो है आपने प्रॉपर उस तरह से इनकी केयर करनी है कि जो है वो चीज़ें तो आप दें, लेकिन जो है साथ में फिर आप जो है इस तरह की कोई मेडिसिन या यूज़ करवाएं। ये अब उस तरह की मेडिसिन नहीं कि ब्रीड पर लाए या कुछ तरह वो करें या ब्रीड ज़्यादा करते हो, ये इनके पेट को बेहतर रखने के लिए बेहतर होती है, और उन जो है बीमार नहीं होते, उनको पेट के मसले बनते हैं। अब लाजमी बात है कि रैबिट है, और आपने कई और वीडियो में भी सुना होगा कि इनको पेट के मसले बनते हैं, मोशन लग जाना, तो ये एक आराम से मतलब मामूली सी बात है, और उससे फिर जो है मामूली सी मतलब आसानी से मोशन लग जाते हैं इसको किसी कोई भी चीज़ खाने से, और फिर उसके बाद जो है उसको एक्सपायर हो जाता है, रैबिट इस तरह का हो जाता है। तो ये देखें, ये भी नया बच्चा निकला हुआ है, तो ये उछल रहा है, शैतानियाँ कर रहा है। तो ये चीज़, ये जो है ये बात मुझे क्लियर करनी थी कि जो है आप ये भी दे सकते हैं, और जो है मतलब ये रूटीन रखें तो आपके रैबिट जो है ठीक रहेंगे और सेहतमंद भी रहेंगे, और जो है बीमार भी नहीं होंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है दूसरी चीज़ जो चोकर में डालता हूँ, चोकर में आप जो है गंदम डाल के दे सकते हैं, और बाजरा, अब सर्दियाँ आ रही हैं तो बाजरा डाल के दे सकते हैं। तो गंदम की मकदार आपने मतलब जिस तरह ये मेरी परात है, तो ये भर के मैं बनाता हूँ ये कुछ इस तरह, तो जो है मैं रात को यहाँ पर रख देता हूँ, और ये खाते रहते हैं बस सुबह तक, ये खाली होती है। तो बस जिस जिसने देखें अभी जिस जिसने खा लिया, वो जो है अलग अलग जगहों पर जाके जो है सो गए हैं, लेट गए हैं। तो अब जैसे जो है वो मतलब फिर भूख लगेगी, फिर आके खाएंगे, कुछ बच जाएगा, तो इस तरह इनकी रूटीन चलती रहती है। तो ये अभी मैंने वीडियो बनानी थी, इस तरह ये बाहर ना निकलते, कुछ डर के अंदर घुसे रहते, तो इस वजह से जो है अभी मैं ला के डाल रहा हूँ। रात को जो रूटीन है वो अलग है। तो आपने उसमें जो है मैं बता रहा था कि गंदम के दाने डालने, इतने ज़्यादा मकदार में नहीं डालने, मतलब अब ये जैसे प्रयास भरी हुई होती है, तो उसमें मैं आधा कप या 1 कप जो है गंदम के दाने डाल देता हूँ, तो वो जो है आप डाल सकते हैं अपने रैबिट्स को। ठीक है, इतनी रूटीन में। तो मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो चुकी है, और फ्लैश लाइट जो है और बंद हो गई। तो ये चीज़ थी, इस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और अपने रैबिट्स का ख्याल रखना है, तो तब जो है वो अच्छी ब्रीड करेंगे और वो चीज़ करेंगे। तो ब्लड लाइन आपने लाजमी चेंज करते रहना है कुछ कुछ अरसे के बाद, मतलब एक सीज़न में अगर एक मेल था, फिर कोई वो और बच्चे आ गए, तो फिर अगले सीज़न में आप कुछ और चेंज कर लें। तो ये इस तरह से कुछ चेंज कर दें, कुछ सेल कर दें, कुछ न्यू रख लें, कुछ बाहर से न्यू जो है एंटर कर लें अपने शेड में, अपने फार्म में। तो इस तरह से ब्लड लाइन बेहतर रहेगी, और आपके खरगोश जो है वो मतलब बच्चे कमज़ोर नहीं होंगे, और बच्चे ज़्यादा तादाद में पैदा होंगे, इस तरह कम मकदार में नहीं होंगे कि आपको मसला बने और वो चीज़ हो। ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो है मुझे शेयर करना था आपसे, ताकि जो है मैं ये नोट कर रहा था कि ऐसे हो रहा है, तो मेरा दिल कर रहा था कि ये बात जो है शेयर करूं। तो ये किस वजह से हो रहा है, तो ये इस वजह से हो रहा था। और ये और वो जो पहले बच्चे निकले थे दो, वो भी जो है इसी तरह जो है बिल्ली आई और जो है उन बच्चों को भी पकड़ लिया, और ये बिल्ली का जो है नुकसान कर करके जो है सत्यानाश कर दिया है, जो है बिल्कुल ही कोई बच्चे बच नहीं पा रहे। तो अब जो है मैं इनको कमरे को जो है बंद रखता हूँ, और जो है ताकि बिल्ली से महफूज रहें। कुत्ता रखा था, तो कुत्ते ने खुद जो है खाने शुरू कर दिए, तो बंदा अब क्या करें।
तो ये वो छोटा बच्चा है, ये देखिए। चोकर आपने जो है बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं बना देना और बहुत खुश्क भी नहीं बनाना। और ये एक और चीज़ कि जब ये चोकर आप डालेंगे तब ही आप ये कार्गो पाइप भी साथ पानी में मिला दें, एक ढक्कन करके मिलाना है, ठीक है। तो जब ये चोकर खाते हैं तो फिर ये पानी लाजमी पीते हैं, तो क्योंकि वो खुश्क होता है तो फिर जो है इस वजह से पानी पीते हैं। तो ये चीज़ आपने ख्याल करनी है कि जो है आपने अपने रैबिट्स को इस तरह से रूटीन पे रखना है, तो वो सेहतमंद रहेंगे और ख़ुद ही जो है फिर अच्छी ब्रीड करेंगे। जब जानवर सेहतमंद होता है, उसे खाने को सही चीज़ें मिलती हैं और वो खुश होता है, तो फिर जो है वो लाजमी लाजमी जो है ब्रीड करता ही करता है, ठीक है। ये देखें अब इसने जो है खाया है, तो ये भी जो है अब जाके पानी पीने की कोशिश कर रही है। ये देखें छोटू मियाँ, ये बस जाए बच्चे निकलते हैं, इनका काम होता है बस उछलते रहना और ये चीज़ें करते रहना। फिर ये बाहर जाने के लिए वो ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, तो बस ये चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी और ये चीज़ बतानी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी और रैबिट भी मेरे आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।